أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله सारी तारीफें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए जो हाली के अरसो समा मुदब्बरीन सो जहाँ है और हज़ारों दुरूद उसके नबी मुहतरम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिही वसल्लम की ज़ात अक़दस पर जो रहमतुल्लिल आलमीन और मुअल्लम आज़म है। اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें जो हुरमतों वाला महीना दिया है इसमें खूब नेकियां कमाने में मसरूफ होंगे। आप जानते हैं मुहर्रमुल हराम ये इज्जतों वाला महीना, हुरमतों वाला महीना, इस्लामी कैलेंडर का पहला महीना है और ये हुरमत वाले महीनों में से एक महीना है। जैसा कि चार हुरमत वाले महीनों के बारे में आप जानते हैं, रजब है और उसके बाद ज़िलक़ादा, ज़िलहिज्जा और मुहर्रम, ये चार महीने हैं जिनमें आपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो आपके लिए कानून दिए हैं उनकी खूब आपने एहतियात करनी है, इज्जतें बढ़ानी हैं, इज्जतें देनी हैं और गुनाह के कामों से, बुराई के कामों से अपने आप को बचाना, इज्तनाब करना है। शाइरिल्लाह की बेहुरमतियाँ नहीं होनी चाहिए। शाइरिल्लाह में सबसे बड़ा मामला अवलिया अल्लाह का है और किसी किस्म की भी कोई बेहुरमती हमारी ज़ुबान, हमारे तरीके, हमारे असलूब से ना निकले, इसलिए कि ये महीना और भी इज्जतों वाला महीना है। अल्लाह के वली, अल्लाह के हबीब के साथी, किसी के बारे में कोई हमारी ज़ुबान से ऐसी बात ना निकले जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पसंद नहीं है और ख़ास तौर पे इस इज्जतों वाले, हुरमतों वाले महीने में जो आपके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शाइरिल्लाह की आपको दिए हैं उनके ऊपर आप अपने कानून के ऊपर, अल्लाह के दिए हुए कानून के ऊपर आप कारबंद रहिए और इज्जतें इस्लाम की भी बढ़ाइए और मुसलमान की भी बढ़ाइए। अल्लाह करीम हमें कोशिशों की तौफीक दे और हमारी हक की कोशिशें जो हैं उनको कबूल फरमाए। आज हम बात कर रहे हैं लोगों के दरमियान बैठने के असलूब के बारे में, महफल या मजलस के आदाब के बारे में या लोगों से मिलने और उनमें बैठने के असलूब के बारे में। जैसा कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आप सब जानते ही हैं और अल्लाह की एहसान है कि कई चीज़ें जो हैं हमारी ज़िंदगियों में शामिल भी हैं, लेकिन वही कह लीजिए कि अक्सर औकात जो है हमारी फहम व फरासत से कुछ मामलात जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात होती हैं वो निकल जाते हैं, हम भूल जाते हैं और हमारे असलूब जो हैं वो उसी तरीके से नादानियों से चल रहे होते हैं और हम वो बातें जो आका करीम ने सिखाई हैं, वो महफल के आदाब, वो मजलस के आदाब, वो लोगों में बैठने के आदाब, उनको हम कह लें कि भूल जाते हैं। तो एक याद दहानी लेके शामिल है और उसी याद दहानी को लेके हमने अपने उन असलूब को तरोताज़ा करना है और उस तरीके से हमने अपनी महफलों में को आबाद करना और उस तरीके से हमने लोगों में बैठना है कि मेरे नबी का दीन भी कायम होता रहे और हम जो हैं वो नेकी के हकदार भी बनते रहें। अब सबसे पहला मामला जब आप लोगों में जाते हैं, शामिल होते हैं, तो सबसे पहले सलाम करने की बात होती है। हदीस मुबारक आपको मिलती है, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला रवायत करते हैं कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तक इंसान जो है, जब तक आप मोमिन नहीं हैं, जन्नत में दाखिल नहीं हो सकते। यानी जन्नत में दाखिल होने के लिए ईमान ज़रूरी है और ईमान कामिल तब तक नहीं हो सकता जब तक आप लोगों से, अल्लाह के बंदों से मोहब्बतें नहीं करते, अल्लाह के बंदों की इज्जतें नहीं करते। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों ने पूछा, आके करीम
लोगों से मोहब्बत किस तरीके से, आका करीम ने फरमाया मैं आपको उनसे मोहब्बत बढ़ाने का एक तरीका बता देता हूँ, आप सलाम को रवाज दे दो, सलाम का रवाज आम कर दो, आशना और ना आशना, जानने वाले और ना जानने वाले दोनों को सलाम किया करो, इससे आपस की मोहब्बतें बढ़ती हैं और आपस की मोहब्बतें बढ़े तो ईमान कामिल होता है, ईमान कामिल हो तो जन्नतों का जो दाखला है वो आसान हो जाता है। तो सबसे पहले जो आपको तरीका बताया गया वो सलाम का है, सलाम जानने वाले और ना जानने वाले को करना है। जब आप दाखिल होते हैं लोगों में तो सलाम कहना, थोड़ा सा मामला उसमें भी, यानी इतनी आहिस्ता आवाज में भी ना कहिए कि लोग सुने ही नहीं, और इतना बुलंद आवाज से भी ना कहिए कि गरूर और तकब्बुर झलकने लग जाए, यानी ऐसी आवाज में कहिए कि लोग आपकी बात को सुने भी और गरूर और तकब्बुर भी ना झलके और जो है जवाब भी जो है वो दिया जाए। आपका एक महफिल में जब दाखिल होते हैं तो एक बार एक सलाम कर देना वो सबके लिए काफी होता है, यानी सबका अलहदा अलहदा नाम लेके या अलहदा अलहदा सलाम करने की जरूरत नहीं होती, यानी सबसे पहला मामला जो है वो सलाम करने का है। एक हदीस मुबारका तिर्मिजी शरीफ की है और सुनन अबू दाऊद की भी है, जब आप महफिल में या लोगों में जाते हैं तो वो महफिल का एक अमानत होती है जो आपके ऊपर होती है, जो बातें उसके अंदर ऐसी हों जो बाहर जमाने के सामने नशर नहीं किए जाने की वाली, उनको बाहर निकल के नकल नहीं करना या लोगों को नहीं बताना या मुंतकिल नहीं करना, यानी एक राज है, जो राज नहीं रखता या उस अमानत को जाया कर देता है वो गुनाह का मुर्तकिब हो जाता है। इसलिए जब आप लोगों में बैठते हैं तो वहां पे या महफल में या मजलस में जो ऐसी बात हो रही हो जो बाहर जमाने के लिए नहीं है तो उस राज को राज रखिए, उसको बाहर आश्कार ना कीजिए अगर उसको छुपा के रखा गया है तो ये आपके लिए महफल की अमानत होती है, जो आपने उस अमानत का लिहाज रखना होता है। बड़े अच्छे से अल्फाज बुजुर्ग आपको बताते होते हैं कि जब आप किसी महफल में जाते हैं, लोगों में जाते हैं, तो वहां पे अपनी नजर की भी हिफाजत कीजिए, अपनी जुबान की भी हिफाजत कीजिए, अपने पेट की भी हिफाजत कीजिए। बड़े ही खूबसूरत ये हमें सिखाने के लिए तरीका कार मिलते होते हैं नजर की हिफाजत करना। आपने कुरान में पढ़ा था कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब अपने हबीब को आसमानों पे दावत दी है, जब मेराज के मौका पर आका करीम वहां तशरीफ ले गए तो कुरान ने तारीफ की कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह ने हद से तजावज नहीं किया, जहां तक अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इजाजत दी अपनी निगाह को आका करीम ने वहां तक ही रखा। ये बड़ा एक खूबसूरत सा असलूब होता है। तो ये महफल के भी और लोगों में बैठने के भी असलूब होते हैं कि जहां तक आपको जिस जगह पे बिठाया जाए और जिस जगह के आगे पर्दे कर दिए जाएं या जो कमरों के दरवाजे बंद कर दिए जाएं, उन पर्दों के पीछे या उन दरवाजों के पीछे ना झांका जाए, यानी जहां तक आपको एक्सेस दी जाए वहां तक ही बैठिए और अपने निगाह को वहां तक ही रखिए। लोगों के जो पोशीदा चीजें हैं या जो उनके राज हैं या जो उनकी ढकी छुपी बातें हैं, उनको कुरेदने की या निकालने की या तलाश करने की कोशिश ना करें, ये असलूब है। उसके साथ अपनी जुबान की हिफाजत करना, जुबान जो है वो लोगों की गीबतें करना या लोगों के अंदर छुपी बातों को निकालना या लोगों के राज को कुरेदना, यानी जुबान की हिफाजत की जाए। लोगों के ऊपर बुख्तान बांधना, तोहमत लगाना या गीबत करना या चुगलखोरी करना, इससे अपनी जुबान की हिफाजत की जाए। ये आदाब होते हैं, यानी आपकी इन आदाब के जरिए से आपकी इज्जतें बढ़ जाती हैं। अब ये कह लें कि अपने पेट की भी हिफाजत कीजिए। पेट की हिफाजत का मामला भी बड़ा जानने वाला है। बाज दफा अगर कुछ लोगों की महफल है या कुछ लोग जमा हैं तो वहां पे उस हिसाब से कुछ ना कुछ आपकी मेहमान नवाजी के लिए तैयार किया जाता है। हो सकता है साहिबे खाना या सदर महफल जो है वो उस हालत में ना हो कि आपकी जरूरत से जायद वहां पे मुयसर या मुहैया किया जाए, तो फिर ये पेट की हिफाजत करना, यानी अपने पेट में बहुत ज्यादा ये जरूरत से जायद चीजों को नहीं भर लेना,
यानी जब आप खाना खाने के लिए बैठें तो थोड़ा सा ज़हन में रखें कि जो चीज़ें यहाँ पे पड़ी हुई हैं वहाँ पे जितनी महफ़िल में लोग हैं, हाज़रीन महफ़िल जो हैं वो सब उसमें हिस्सेदार बन सकें। ऐसा ना हो कि मेरी ही प्लेट जो है वो ज़्यादा सारी क्वांटिटी भर ले और फिर उसके बाद मेरे से भी वो ख़त्म ना की जाए तो हम दूसरों का हक मारें, ऐसा भी मामला जो है वो नहीं करना है। इसलिए कि ये छोटे छोटे से असलूब होते हैं लेकिन हमारे दीन का तरीका जो है वो हमारी इज्जतें बढ़ाने के लिए और अल्लाह के हबीब के पसंदीदा तरीके हमें अल्लाह के करीब करने के लिए होते हैं, लोगों के दिलों में और महफलों में आपकी इज्जतें बनाने के लिए होते हैं। तो हमें हर रोज अपनी इस्लाह करनी है, इस्लाह करने के लिए मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असलूब चाहिए। उन असलूब के जरिए से हम अपनी इस्लाह कर सकते हैं जो हमारे लिए दुनिया और आखिरत में इज्जत का सबब बन सकती है। तो ये कहने कि रोजमर्रा के जो हमारे मामलात हैं उनकी इस्लाह करना आकाए करीम के फरमान के मुताबिक। तो ये सबसे पहले तो वही कि जो मामलात जब दाखिल होते हैं तो सलाम करके दाखिल हों, जानने वाले और ना जानने वाले को सलाम करें और फिर उसके साथ अपनी आंखों की हिफाजत, अपनी जुबानों की हिफाजत और अपने पेट की भी हिफाजत करें। उसके साथ आगे आ जाइए, कुछ मामलात बड़े ही जानने वाले, जब आप दाखिल होते हैं किसी जगह में तो वहां पे जहाँ पे आपको आसानी से जगह मिल जाए वहाँ पे बैठ जाइए। लोगों को फलांगते हुए गुजर जाना या लोगों के दरमियान से गुजर जाना या बाज दफा मसाजिद में जाएं तो जो सफों पे बैठे होते हैं लोग उनको फलांगते हुए आगे वाली सफ पे चले जाना या किसी महफल में जाएं तो जहाँ पे लोग बैठे हुए हैं उनको छोड़ के जो कोई खास टेबल लगा हुआ होता है, जो खास मसनद कह लें साहिबे सदर के लिए, साहिबे महफल के लिए जो सजी हुई होती है उसके ऊपर बैठना या उसके पास जाना या कह लें कि लोगों को डिस्टर्ब करना, ये आपके इस्लामी असलूब नहीं होते हैं। इस्लामी असलूब जब आप दाखिल होते हैं जहाँ पे आपको आसानी से जगह मिल जाए वहां पे बैठ जाइए। लोगों के दो लोग अगर आपस में बात कर रहे हैं तो उन दो के दरमियान में जाके ना बैठिए। ये आपके यानी हदीसे मुबारिका के मुताबिक जो आपको असलूब सिखाए जाते हैं वो है, यानी दो लोग अगर आपस में बात कर रहे हैं तो उन दो के दरमियान में ना बैठिए। और अगर दो लोग आहिस्ता से बात कर रहे हैं तो तब भी उनके करीब कान लगा के ना बैठिए। हो सकता है वो आपस में कोई बात राज की रखना चाह रहे हो तो हम उनके करीब ना बैठें ताकि उनकी बात हमारे कानों में पड़ जाए। लोगों के राज को राज रखा कीजिए, लोगों की बात जो छुपा रहे हैं उसको आप पोशीदा रहने दीजिए। ये बड़े खूबसूरत सी बातें आपको लगती होती हैं कि बुजुर्ग कहते होते हैं कि अगर तुम नगारा पत्थर हो तो किसी साहिबे हुनर के पास बैठो ताकि तुम्हें वो गोहर बना दे। तो ये आपका अल्लाह के अंबिया से सीखना, अल्लाह के अवलिया से सीखना, हक वालों से सीखना, सच्ची बातों को सीखना, अपनी इस्लाह करना, ये हमारे लिए बहुत ही बेहतरीन होता है। वही कह ले कि एक पत्थर को, नाकारा पत्थर को गौहर बना देने के लिए ये असलूब सिखाए जाते हैं, ये बातें सिखाई जाती हैं। जब भी कोई दायरा बना के लोग बैठे हों और वो आपस में कोई बात कर रहे हो तो उस दायरे के दरमियान में जाके ना बैठ जाइए। ये भी आपको तिर्मिजी शरीफ की रवायत भी और मिश्कात की रवायत भी मिलती है। ऐसा करने वाले को बड़े अल्फाज जो हैं लानत के अल्फाज से भी कह लीजिए, इस अमल को ताबीर किया गया है। ये अमल इस तरीके से इसको ताबीर किया गया है कि लानत भी कही गई है कि ऐसे लोगों के ऊपर जो लोग दायरा बना के इकट्ठे बैठ के किसी बात के ऊपर बात कर रहे हैं तो नया आने वाला उस दायरे के दरमियान में जाके बैठ जाए। बास दफा ऐसा भी होता है कि जो साहिबे हाना होता है या जो सदरे महफल होता है उसकी जगह या उसकी मसनद पे बैठ जाना या इस तरीके से महफल में एक्ट करना कि आप ही साहिबे खाना या आप ही सदरे महफल लगने लग जाएं, ऐसा करने की भी इजाजत हमें हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात नहीं दे रही, तालीमात मना कर रही हैं, तालीमात बता रही हैं कि ऐसा नहीं करना है। अगर आपको कोई बात करनी है तो आप उनकी इजाजत से कीजिए। यहाँ तक कि आप अगर दूसरों के घर में गए हैं
तो वहां पे नमाज पढ़ाने के लिए अगर आप इमामत के मुसल्ले पे भी खड़ा होना चाहें तो आप ऐसा नहीं कर सकते जब तक साहिबाना से इजाजत ना ले लें। उनका हक है, वो अगर आपसे कहें, वो अगर इजाजत दें तो तब ऐसा किया जा सकता है, नहीं तो आप ये काम भी नहीं कर सकते। साहिबाना ही करेंगे और सदरे महफल ही करेंगे, उन्हीं का ये हक होता है और उन्हीं की ये ड्यूटी होती है कि उनको ये करना है। बाज दफा बड़ी ही जानने वाली बात है, जब लोग बात कर रहे हों तो उनकी बात काट के अपनी बात को शुरू ना किया जाए। जब लोग बात कर रहे हैं, जो भी कोई बात कर रहा है उसको बात करने का मौका और हक दीजिए। जब वो अपनी बात को मुकम्मल कर लें तो तब अपनी बात शुरू करें। इकट्ठा ही जब आप बात करेंगे और दूसरों की बात काट के बात करेंगे तो इस असलूब से भी आपको मना कर दिया गया। ये भी कह लें कि हक वालों को जेब नहीं देता कि दूसरों को बात ना करने दें और उनकी बात काट के अपनी बात जो है उसको जारी रखें और अपनी बात करें और दूसरों को बात करने का मौका ही ना दिया जाए। दूसरों को बात करने के मौके दें, दूसरों की बात सुने और सुनने के बाद जो है उतनी देर सब्र से रहें और फिर अपनी बात जो है वो जारी करें और फिर अपनी बात जो है उसमें बढ़ाएं। बड़ी ही जानने वाली एक बात मिलती होती है कि जब भी लोग बात कर रहे हैं तो उन जिस मौजू के ऊपर वहां पे बात हो रही है, जिस मौजू पे बात की जा रही है, आप भी उसी मौजू के ऊपर ही रहें और उसी मौजू पे बात करें। ऐसा ना हो कि लोग जिस मौजू पे बात कर रहे हैं आप उस मौजू को तोड़ के कोई नया मौजू और नई बात जो है उसको लेके चल पड़े और उसके साथ अपनी बात को जारी रखें और सबकी बात को काट के और उस बात को उधर ही छोड़ के तो नया मौजू या नई बात जो है वो वहां महफिल में रख दी जाए। इससे भी गुरेज कीजिए, इसलिए कि जो बात हो रही है बाज दफा जिस बात के लिए उसको महफिल को मुनक्कद किया जाता है, जिस बात के लिए लोग जमा होते हैं, कोशिश करें कि उसी बात के साथ आप भी मुंसलिक रहें और उसी बात के साथ आपकी बात भी जो है वो जारी रहे और उसी तरह का जो है आपका सवाल भी हो और उसी तरह का है जो आपका भी कोई क्वेश्चन हो उसी तरह की बात हो। ये ना हो कि उस बात से बिल्कुल कट के और बिल्कुल नए पहलू पे एक बात को जारी कर दिया जाए। इस बात का भी बहुत ध्यान रखना है। अब ये कह लें कि हम देखें कि कौन कौन से असलूब, कौन कौन से तरीके, कौन कौन सी चीजें होती हैं। महफल में जब दाखिल होते हैं, जाते हैं, तो वहां पे अगर कोई जगह खाली हो तो खाली जगह पे इजाजत लेके बैठ जाइए। अगर कोई वहां से उठ के गया है तो आपको वो सीट मिली है तो जब वो वापस आ जाए तो वो ज्यादा हक रखता है उस जगह और उस मसनद पे बैठने का। अगर वो आपको इजाजत देता है तो तब आप बैठे रहिए, अगर वो आके आपके पास खड़ा हो जाए तो आप उस सीट को बदल दीजिए। आगे करीम के फरमान के मुताबिक, हदीस मुबारका के मफहूम के मुताबिक जब कोई महफल में आ जाए तो उसके लिए जगह कुशादा रखा कीजिए, लोगों को जगह दिया कीजिए, लोगों के लिए अपने आप को थोड़ा सा सुकेड़ के भी बैठ जाया कीजिए कि अगर जगह तंग है तो थोड़ा सा सुकड़ जाए ताकि दूसरों को भी बैठने की जगह मिल जाए। ये बड़ा ही बेहतरीन तरीका और बड़ा ही बेहतरीन असलूब होता है। अगर कोई वहां पे, बाज दफा हम बेला वजह अपने दोस्त अहबाब के लिए अपनी सीटें जो है वो इकट्ठी करके रख लेते हैं, किसी पे कोई चीज, किसी पे कोई चीज रख देते हैं। ऐसा भी तकब्बुर की अलामत होता है। ऐसा भी जब वो आएंगे तो उस वक्त फिर जगह बन जाएगी, उनकी जगह बना लेंगे। ऐसा नहीं है कि जो इस महफल में आने वाले हैं वो हमारे लिए कोई कह लीजिए इज्जतों के हकदार वो नहीं है या हमारे सामने वो कोई इज्जत नहीं रखते, हमारे सिर्फ जानने वाले ही हमारे लिए बाइज्जत हैं, इसलिए हमने उनकी मसनदें जो हैं वो रिजर्व करके रखी हैं और दूसरे चाहे बूढ़े हैं, चाहे बच्चे हैं, चाहे बीमार हैं, वो खड़े हैं तो खड़े रहें, बैठे हैं तो बैठे रहें, हमें उसका कोई कह लीजिए हमारी सेहत पे असर नहीं पड़ता। ऐसा नहीं है, महफल के और लोगों में बैठने के असलूब हमने सीखने हैं।
जब हम लोगों में बैठते हैं, जब हम महफल में बैठते हैं, जब हम मजलस में बैठते हैं, तो उसके असलूब हमें सीखने हैं। जब लोग आते हैं, जिस महफल का हम हिस्सा हों, उस महफल के सारे लोग ही हमारे लिए बाइज्जत होने चाहिए, सारे लोग ही हमारे लिए अहमियत रखने चाहिए और उनकी अहमियत हमारी नज़र में होनी चाहिए। इसलिए ये हमारी सीटें जो हैं उनको हम अपने लिए मुख्तस करके बैठे रहें और दूसरे आने वाले बुजुर्गों को भी जगह ना दें, तो ये उनके एहतराम में कमी होती है। हमने इन्हीं चीजों के लिए बैठना और उन्हीं के लिए हमने अपनी इस्लाह करनी है। जो गुफ्तगू वहां पे हो रही हो, जब लोग बैठे हों तो जो गुफ्तगू कर रहे हों, वहां पे अपने आप को एक खास सूरत में अलहदा करके ना बिठा दीजिए कि जैसे तकब्बुर के साथ और गुरूर के साथ हम किसी के साथ बात नहीं करेंगे, हम किसी के साथ घुले मिलेंगे नहीं, हमारे चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं आएगी, हमारे लहजे में नरमी नहीं आएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। हमारे चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट हो, हमारे लहजे में नरमी हो, लोगों के साथ जो बातचीत हो रही है उनमें घुल मिल के बैठें। हम ऐसा ना हो कि हम उन सब से जुदा और अलहदा लगें। ये तकब्बुर और गुरूर की अलामत होती है। तकब्बुर और गुरूर से अपने आप को बचा के रखना है। जानते हैं ना तकब्बुर और गुरूर करने वालों के लिए क्या अंजाम हुए थे? और तकब्बुर और गुरूर अल्लाह रब्बुल इज्जत को पसंद नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत शिर्क करने वाले, और आप ये भी जानते हैं कि शिर्क करने वाले, तकब्बुर करने वाले, गुरूर करने वाले, ये किबर जो है ये दिलों के अंदर से जब तक निकले नहीं तब तक जन्नतों में दाखले आसान होते नहीं हैं। इसका हर जर्रा जो है वो दिलों से निकाल देना है। हमारे तरीके, हमारे असलूब तकब्बुर वाले ना हो, इसीलिए तो तकब्बुर के लिबास से भी मना किया गया कि वो तकब्बुर के लिबास पहन के लंबी चादरें पीछे जमीन पे खींचती हुई आए और अपना कपड़ा जमीन पे तकब्बुर से खींचता हुआ आए। आका करीम के फरमान के मुताबिक इससे मना किया गया, इससे मना कर दिया गया। तो इसलिए ये मामलात जो हैं, जब आप लोगों में जाते हैं तो लोगों में घुल मिल के बैठिए और अपने आप को उनके साथ ऐसा नहीं कि जुबान के ऊपर और चेहरे के ऊपर एक खास किस्म का गुरूर और तकब्बुर लेके बैठे। अपने आप को उन्हीं की तरह का रखिए जैसे कि सब वहां पे बैठे हुए हैं, हम भी उन्हीं की तरह के हैं। हम उनसे कुछ ज्यादा मुनफरिद और मुख्तलिफ लोग नहीं हैं कि ये हमसे कमतर हैं और हम उनसे आला हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफल में जब लोग बैठा करते थे तो जो अजनबी आते थे, आने वाले पूछा करते थे कि तुम में से आका करीम कौन है। जो अजनबी आता था वो पूछता था कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन से हैं, इसलिए कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने साथियों पे बैठते, साथियों के साथ बैठते तो ऐसे ही बैठते जैसे वो बैठे हुए हैं उनके साथ। किसी नए अजनबी को पता नहीं चलता था कि आका करीम इनमें से कौन है। तो हम उन्हीं की उम्मत हैं, हम मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हैं। हमें असलूब और तरीके सीखने हैं और तकब्बुर को अपने दिलों से निकाल बाहर फेंकना है और अपने अंदर आजजी और इनकसारी पैदा करनी है। जितना आपके अंदर आजजी इनकसारी आती जाएगी, मेरे रब के यहाँ आपकी इज्जतें उतनी बढ़ती जाएंगी। अगर आपको इज्जतें बढ़ानी है तो अपने अंदर आजजी और इनकसारी बढ़ाते जाइए, मेरा रब आपकी इज्जतें लोगों के दिलों में बढ़ाता जाएगा। अगर हम अपनी निगाह में बड़े मुअज्ज़ज़ होके बैठते हैं तो लोगों की निगाह में मुअज्ज़ज़ नहीं रहते। जब हम अपनी निगाह में इज्ज़त इनकसारी से बैठते हैं तो लोगों की निगाह में बाइज्जत हो जाते हैं। तो इसलिए ये लोगों में बैठने का असलूब, अपने चेहरे के ऊपर से करहतगी और गुस्सा, और ये कह लें कि खामोशी जो आपकी तकब्बुर की है उसको हटा दीजिए, लोगों के साथ मिलजुल के रहना और उसी तरीके से, उसी असलूब के साथ बात करना, उसको सीख लीजिए। ये तरीके जो हैं वो सिखाए जाते हैं। बड़ी ही जानने वाली बात है, कोशिश करें कि जिस महफल में जाएं अल्लाह की बात और दुनिया के फानी होने की और आखिरत की तैयारी की बात जो है उसको किया करें। बाज दफा ये भी होता है कि हाजरीन महफल जो हैं उनका वो जो रुझान है वो आखिरत की तरफ
या कह लीजिए कि अल्लाह की बात की तरफ नहीं होता, पर इसका ये मतलब हरगिज नहीं कि आप वो बात नहीं करेंगे। आप थोड़ी सी बात जरूर उसमें कीजिए और फिर दुनिया की किसी बात में ही आप शामिल होके उसके बाद दोबारा अपनी बात के मेवर को आखरत की तैयारी पे ले जाइए और बड़ी खूबसूरती के साथ उसको चेंज कीजिए। और जिस किसी महफल में भी बैठिए, मेरे रब के तज़किरे के बगैर वहां पे ना बैठिए और ना उठिए। कहीं मत जाइएगा, छोटे से वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वेलकम बैक। टेलीफोन कॉल्स ओपन हैं, जो बात करना चाहें वो कॉल कर सकते हैं। आज हम बात कर रहे हैं लोगों में बैठने के असलूब के बारे में। हालांकि ये हमारी जिंदगी के साथ सारी की सारी चीजें चलती आ रही हैं, लेकिन वही कि जो चीजें हम भूल जाएं उनकी याद दहानी के लिए दोबारा उसको लेके, तो हमने वो कोशिश करनी होती है कि आगे करीम के फरमान के मुताबिक अपनी महफलों को सजा लें, अपनी गुफ्तगू के आदाब को बेहतर कर लें और अपने आप को उन रस्तों पर ले चलें जो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिछाए हैं। बात हम कर रहे थे कि जब लोगों में बैठें तो क्या असलूब होना चाहिए। सबसे पहले तो हम बात करने का, गुफ्तगू करने के लिए ज्यादा मुश्किल तरीन अल्फाज इस्तेमाल ना करें। जिस तरह की महफिल हो उस तरीके से आप देख लें कि किस तरह के लोग बैठे हैं, यानी आम फहम बात किया करें कि जो सब लोगों के समझ में आसानी से आ जाए। अगर लोग उतने ज्यादा तालीम याफ्ता नहीं हैं, तो आपकी जो गुफ्तगू है वो आम फहम होनी चाहिए। अगर आपका जो सर्कल है वो आला तालीम याफ्ता है, तो वहां पे आप उस तरीके से बात कर सकते हैं जो उस लेवल पे या उस एजुकेशन एजुकेटेड माइंड के साथ जाए उसको लिया जा सकता है। लेकिन जब आप आम महफिल में बैठे हैं तो वहां पे गुफ्तगू आम फहम कीजिए ताकि लोगों को उस बात की समझ आ जाए। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में जब साथी बैठते थे तो फरमाते हैं कि आका करीम के अल्फाज जिस तरीके से बोलते थे, अगर हम चाहते तो हम लिख भी सकते थे और काउंट भी कर सकते थे, गिन भी सकते थे। यानी आसानी के साथ और थोड़े अल्फाज के साथ खूबसूरती के साथ बात करना। किसी बुजुर्ग से पूछा गया, बेहतरीन बात क्या होती है? फरमाया, बेहतरीन बात वो होती है थोड़े अल्फाज के साथ जल्दी समझ आ जाना, या थोड़ी तमहीद के साथ बात बड़ी गहरी कर देना। जैसे कहा जाता है कि समुंदर को कूजे में बंद कर दिया जाए, यानी जुमले थोड़े हों, थोड़ी बात हो, लेकिन वो बड़ा सा मफहूम और बड़ा सा असलूब लेके आए। ये नहीं है कि हम घंटा तमहीद बांध के बात करते रहें, लेकिन उसमें कारामद बात जो है वो बिल्कुल छोटी सी हो, जो जरूरी बात है, जो फायदा मंद बात है वो बहुत थोड़ी सी हो। तो थोड़े और छोटे अल्फाज और जुमले रखिए, लेकिन बात जो है उसमें ज्यादा जरूरी वाली रखिए। एक कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। वाजी कैसे हैं? अल्लाह के एहसान, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? क्या पूछेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआएं हैं, आपको नया साल मुबारक। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। प्रोग्राम का बहुत ही अच्छा अनुमान है। तो मेरे दो सवाल हैं। पहला ये है कि अगर आप बाजू वाली शर्ट पहनी हुई है और ऊपर से कोई बड़ा सा बड़ी सी चादर या इस तरह का जबाब वगैरह डाल लेते हैं तो बाजू सारे कवर हो जाते हैं, तो क्या इसमें नमाज हो जाती है? ठीक है, मैं बता देती जी। दूसरा सवाल ये है कि ये जो हम आजकल जबाब पहनते हैं तो उसका काफी उनकी लेंथ होती है और पीछे जमीन पे लगता है, तो इसके ये कैसे हुक्म में आता है? ठीक है, मैं अभी बता देती हूँ इंशाल्लाह, अल्लाह पाक आसान फरमा दे। तो सबसे पहले तो आप जो बता रहे हैं कि जो बाजू पहने होते हैं, बाज दफा छोटे बाजू भी होते हैं, बाज दफा सी थ्रू बाजू भी होते हैं, या अगर आपका कपड़ा मोटा है यानी सी थ्रू नहीं है और बाजू छोटा नहीं है और फुल लेंथ का बाजू आपने पहना है, तो फिर तो आप नमाज पढ़ सकते हैं। फिर तो कोई ऐसा इशू नहीं है कि उसमें नमाज हो जाती है।
नमाज ना होने के लिए अगर तो बाजू सी थ्रू हैं, या कह लीजिए कि इतने छोटे हैं कि आपका सतर जो है वो जाहिर हो रहा है, यानी पूरा बाजू नंगा हो रहा है, तो फिर आपको बड़ी चादर जो है ऊपर लेनी पड़ती है। अगर छोटे बाजू हैं, सी थ्रू बाजू हैं, तो आपने अगर बड़ी चादर ऊपर ले ली है, चादर ओढ़ के आप नमाज पढ़ रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है, नमाज पढ़ी जा सकती है। वैसे कोशिश करें कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो लिबास की हदें दी हैं वो हमारी इज्जतें बढ़ाने के लिए हैं, तो हम अपने लिबास दुरुस्त कर लें। जैसा कि आप जानते होते हैं कि हम अक्सर आजकल तो जब वही कह लीजिए कि महफिलें भी कायम करते हैं, पार्टियां भी करते हैं, तो तब भी हम ड्रेस कोड लिखते होते हैं। इस्लाम का भी एक ड्रेस कोड है, तो हम मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो हम उस ड्रेस कोड को लेके चलें और उसी के साथ ही खूबसूरती और इज्जत है। आप बुरके की बात कर रहे हैं कि आजकल जो है वो बुरके जो लंबे होते हैं और वो पीछे जो है वो घिसट रहे हैं, तो उनका मामला थोड़ा सा मुख्तलिफ है। गुरूर और तकब्बुर से वो वही कह लें कि शाने बेनियाजी से बड़ी चादर लेना और उसको पीछे घिसटते हुए आना, या उसी में ही उसी कैटेगरी में ही आता है ये मारमेड स्टाइल के जो ड्रेसेस होते हैं दुल्हन के, हम दुल्हन के बनाते हैं, तो वो भी पीछे लंबे जो आपके लिबास होते हैं वो पीछे खींचते हुए आना, ये हकीकत में गुरूर और तकब्बुर की अलामत होती हैं। तो अगर बुरके की बात आप करें तो बुरके का मामला जो आपका है, आप अगर उसको अपने साइज का बना लेते हैं, यानी पाओ की लेंथ तक जाए, तो वो तो बहुत बेहतरीन है, इसलिए कि आपके लिए बेहतर हो जाएगा। नहीं तो बाज दफा वो गंदगी भी, गलासत भी उसको लगती रहती है और वो पीछे जो है वो घिसटता हुआ आ रहा होता है, तो वो पाक नहीं रहता, ये भी हो जाता है बाज दफा मामला। तो अगर उसके अलावा फिर भी अगर नहीं कर सकते, तो वो लंबा बुरका है तो आपने पहना हुआ है, तो ये गुरूर और तकब्बुर की अलामत नहीं होगा। अगर आपके दिल में गुरूर और तकब्बुर नहीं है, तो कोई भी लिबास जब हमारे दिल के अंदर गुरूर तकब्बुर होता है, चाहे अपने साइज का भी पहने, तो तब लिबास पहन के हम तकब्बुर महसूस करें तो तब होता है। अगर अल्लाह के शुक्राने के साथ, आजजी और इनकसारी के साथ पहने, तो तब वो कह लीजिए शुक्रगुजारी में ही आता है, तब उसका आपको गुना नहीं मिलता। जैसा कि आप जानते होते हैं इन्नमल अमालु बिन्नियत, के अमलों का दारोमदार नियतों के ऊपर होता है, तो अगर हमारे जो नियतें हैं वो पाक साफ हैं और शुक्र गुजारी की हैं, तो तब कोई हर्ज नहीं है। सिर्फ यही कि कोशिश कीजिए, बात आपने वो हिजाब की है, तो उसके ऊपर कि हिजाब को भी हम बाहिजाब रखें, हिजाब को भी बाहिजाब रखें, इसलिए कि ऐसा नहीं है, बाज दफा जलबाब जो हैं, बुरके जो हैं, वो बहुत ज्यादा जो हैं वो फिटिंग वाले होते हैं, बहुत ज्यादा जो हैं वो जिस्म के साथ चिपके हुए होते हैं, तो वो फिर कह लीजिए कि वो जो तकाजे हमारे पर्दे के हैं उनको पूरा नहीं करते, या वो बहुत ज्यादा उनके ऊपर जो है वो आई कैचर से होते हैं, यानी बहुत ज्यादा उनके ऊपर काम बने हुए या कढ़ाइयां बनी हुई या कलर बड़े कह लीजिए उस तरीके के लगे हुए जो लोगों की तवज्जो अपनी तरफ खींचे, वो भी आप कह लें कि आपके पर्दे के तकाजे पूरे नहीं करते। तो कोशिश करें कि अगर हम अपने आप को रब के दिए हुए बताए हुए लिबास के अंदर रखना चाह रहे हैं, तो वो लिबास जो है वो इज्जतों को बढ़ाने वाला हो और मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के ऐन मुताबिक हो। हम बात कर रहे थे गुफ्तगू की, तो गुफ्तगू की जो वो जिस महफिल में हम जाते हैं, यानी जब आप गुफ्तगू करें महफिल में बैठे हुए, तो आसान अल्फाज इस्तेमाल करें और आम फहम बात करें, ताकि लोगों को उसकी समझ आ सके और लोग आसानी से उस बात को समझ सकें और फिर बात को क्लियर बोलें। ऐसा नहीं है, बाज़ दफ़ा हमें पता नहीं होता, हम अपनी सोच में वो पूरा जुमला बना के बैठे होते हैं और दरमियान के लफ्ज से बात शुरू कर लेते हैं, वो सुनने वाला कंफ्यूज हुआ होता है कि आगे कौन सी बात थी और पीछे कौन सी बात थी। इसलिए जो आप बात करते हैं उसको उस तरीके से बोलिए कि पूरा बात, पूरा जुमला आम फहम हो और सुनने वाले की समझ में आ जाए, और जिस महफल में और जिन लोगों में आप बैठे हैं उन लोगों की समझ के मुताबिक बात करें, ताकि वो बात को समझ सकें। तो वही कि उस तरीके से अल्फाज हों कि अल्फाज जो हैं वो आसानी से बोले जाएं और ऐसे अदा किए जाएं वो बड़े गुस्से और बड़े जोर से और बड़ी जबरदस्ती से ऐसे ना हो और बहुत जल्दी से भी ना हो कि किसी को समझ ना आए। दो जू मनी अल्फाज इस्तेमाल ना किए जाएं महफल में बैठे हुए, लोगों में बैठे हुए एक दूसरे के कान में बात ना की जाए,
किसी के कान में सरगोशी न की जाए, ये दूसरों के लोगों के दिल दुखते हैं, ये दिल दुखाने से मना किया गया है। महफिलें तो इस्लाम फैलाने के लिए होती हैं, इस्लाम बढ़ाने के लिए होती हैं, इसलिए जो भी महफिल कायम करें उसमें जिक्र अल्लाह करें, मेरे रब की बात करें। जब महफिल कायम भी करें तो अल्लाह के तज़किरे से करें, और महफिल बर्खास्त भी करें तो अल्लाह के जिक्र से करें। इसीलिए तो जब महफिलें बर्खास्त होती हैं तो उनकी भी दुआएं आपको बताई जाती हैं। अगर आपको दुआ नहीं आती तो सूरह असर पढ़ लिया कीजिए, ताकि महफिल में बैठे हुए, लोगों में बैठे हुए अगर कोई चीजें, कुछ बातें ऐसी हुई हैं, या कुछ ऐसे मामलात नादानी के हुए हैं, या कह लें कि जिक्र अल्लाह जिस तरह करना चाहिए था नहीं हो सका, तो ये अगर महफिल में बैठे हुए कोई गीबत या कोई चुगली या कोई चीज ऐसी भी हो गई है, तो ये कुफारा होता है उस गुनाह का। आप जब सूरह असर को पढ़ लेते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज्जत गुनाहों से पाक कर देता है। तो फिर ये मामला भी जहन में रखिए कि महफिल की जो अमानत होती है उस अमानत को भी अपने पास रखिए, कि किस लिए कायम की गई थी, उस महफिल में कौन सी बातें हुई हैं, लोगों ने कौन से आपके ऊपर एतमाद किए हैं, और किन लोगों ने आपको कैसे बुलाया है, और वहां पे किस तरीके से आपने उनकी इज्जतों का लिहाज रखना है। ये चीजें आप किसी के लिए नहीं करते, यकीन जानिए जब आप इज्जतें देने लग जाते हैं, इज्जतें आप तक पहुंचने लग जाती हैं, आप तक पलटने लग जाती हैं। ये पैमाना जैसे जैसे आप आगे बढ़ाते जाते हैं वो बढ़ता जाता है, तो आपकी तरफ उंडेल दिया जाता है। तो इसलिए जब आप दूसरों को इज्जत दे के बात करते हैं, कभी भी अपने से कमतर समझ के किसी से बात ना करें। जब भी किसी से बात करें उसको इज्जत दे के बात करें। जब आप इज्जत दे के बात करेंगे, बड़ा ही खूबसूरत मुझे बात लगती होती है हकीम लुकमान की, फरमाते हैं मैंने 100 साल लोगों के इलाज किए और इतनी हिकमत की और इतने इलाज किए, वो सारी बीमारियों के इलाज के लिए मैंने 100 साल में यही सीखा कि बेहतरीन इलाज, हर बीमारी के लिए बेहतरीन इलाज क्या है, दूसरों को इज्जत दीजिए। अब सुनने वालों में से कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने आगे से सवाल किया कि हजरत बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि आप किसी को इज्जत देते हैं तो वो इज्जत का, इज्जत के लायक नहीं होता, वो इज्जत लेता नहीं है, इज्जत रखता नहीं है, वो अपने आप को ज्यादा ही कह लें कि वो समझने लग जाता है और आपको पस्त कर देता है, फिर उसका क्या इलाज करना चाहिए, उसको क्या करना चाहिए। तब हकीम साहब ने जवाब दिया, बीमारी हदों से बढ़ जाए तो डोज बढ़ा दीजिए, जो आपकी दवाई है उसकी मकदार बढ़ा दीजिए। क्या दवाई मुंतहिब की थी, इज्जत ही देना है, इज्जत बढ़ाते जाइए, इज्जत देते जाइए। एक वक्त ऐसा आता है कि वही आपका, कुरान ने बताया था, आपका दुश्मन आपका कल्बी दोस्त बन जाता है जब आप इज्जतें देने लगते हैं। ये बड़ा खूबसूरत सा एक तोहफा होता है जब आप दिल से किसी की इज्जत करें, यकीन जान जाइए आप जब दिल से किसी को इज्जत देते हैं अगला बंदा दिल से आपकी इज्जत करता है। अगर आप सिर्फ अल्फाज में किसी को इज्जत दे रहे हैं तो जान जाइए दूसरा भी आपको सिर्फ अल्फाज में इज्जत दे रहा है। तो दिलों से इज्जत लेने के लिए दिलों से इज्जत कीजिए, दिलों से इज्जत दीजिए। ये लोगों में बैठने के आदाब होते हैं। अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये दुनिया लोगों के साथ जुड़ के रहने के लिए, लोगों से मिलने के लिए और लोगों की हैरखाई करने के लिए ना बनाई होती तो आपको यहाँ पे भेजता ही ना। ये इसीलिए बनाई गई, इंसान जो है ये उनस से ही निकला है, इंसानियत भी इसी से ही बनती है। अगर इंसान के अंदर उनस ना हो तो इंसानियत नहीं रहती, उनस होगा तो इंसानियत है। तो उनस एक जज्बा होता है, एक मोहब्बत का जज्बा होता है, अल्लाह के बंदों से अल्लाह के लिए उनस रखना, अल्लाह के लिए मोहब्बतें रखना, ये तो अल्लाह को बड़ा पसंद है, ये तो अल्लाह रब्बुल इज्जत को बहुत पसंद है। अल्लाह के बंदों से अल्लाह के लिए मोहब्बतें कीजिए। एक कॉलर मौजूद है, उनसे बात करने के बाद बात को जारी रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा ग्रैंडसन है वो, मैं उससे पूछना बात जाती हूँ। नहीं, अगर रात में बहुत रोता है, सोता नहीं है, मेरे पास कोई ऐसी दवा है तो बता दी। जी जी, मैं अभी आपको बताने की कोशिश करती हूँ इंशाल्लाह, अल्लाह पाक आसान फरमा दे।
ये बास दफा ये होता है कि शैतान की तरफ से भी ये बच्चों को कचोके लगाए जाते हैं, या कह लीजिए कि वो कोई ना कोई, अगर आप कोई उस तरह का दीन का काम कर रहे हैं तो तब भी डिस्टरबेंस करने के लिए ये मामलात सारे के सारे आ जाते हैं। आप सुबह शाम के अजकार जो हैं वो आप जरूर पढ़ा करें और अपने बच्चों को दम किया करें। आप जानते हैं मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नवासों को दम किया करते थे, अपने नवासों को दम किया करते थे, वही जन्नत के सरदार नवासे और इमामों के इमाम अल्लाह के हबीब। तो ये कह लें कि तब भी जरूरी है दम करना, और हम समझते हैं कि हमें कोई जरूरी नहीं है। अगर वहां पे इतना जरूरी है तो हमारे लिए तो उससे बढ़ के जरूरी है, जिनका मामला ही मुख्तलिफ सा है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नवासों को दम किया करते थे, उन्हीं अल्फाज के साथ आप भी इन बच्चों को दम किया करें। औज़ु बिकलिमातिल्लाहि तामाति मिन शर्रि शैतानिन वहा अम्मतिन वमिन कुल्लि ऐनिन ला अम्मा। ये अल्फाज इतने जरूरी हैं कि ये आऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि तामाति मिन शर्रि शैतानिन वहामतिन वमिन कुल्लि ऐनिन ला अम्मा, कि अल्लाह में सारे कलीमात की में ये सारे कलीमात की पनाह में मैं इनको देता हूँ। मैं तेरे जितने कलीमात हैं, मैं तेरे नामों के सारे कलीमों की पनाह में इनको देता हूँ। हर किस्म के शैतान से, हर किस्म की बुरी नजर से अल्लाह मैं इनको तेरी पनाह में देता हूँ। तो आप ये दुआएं पढ़ के अपने बच्चों के सीनों पे जरूर फूंका करें, ये जरूर दम किया करें। और उसके अलावा जो आपको दिया गया है वो है आखिरी दो सूरतें। आखिरी दो सूरतें जो हैं ये तीन तीन बार हदीसे मुबारिका में आपको मिलता है, तीन बार पढ़िए। और अगर आप उसके साथ सूरह इखलास को मिला लेते हैं, कुल हुवल्लाहु अहद, तीन बार ये आ जाती है, तीन बार कुल औऊजु बिरब्बिल फलक आ जाती है, तीन बार कुल औऊजु बिरब्बिन नास आ जाती है। तो तीन तीन बार इनको पढ़िए और आयतुल कुर्सी पढ़िए और बच्चे के सीने पे फूंक दीजिए। तो ये भी आप किया करें, तो ये कह लें कि ये आप जो है एक मामला जो घरों का है इसको बड़ा ही जरूरी है। हम लोग दुनिया के मामलात जब होते हैं, घर हैं आपके, वार्डरोब्स हैं, कबर्ड्स हैं, वॉशरूम है, किचन है, हमारी कोशिश होती है कि हम कुछ अरसे के बाद जनरल क्लीनिंग करें, हर शय कबर्ड खोल के सफाइयां कर दें, हर शय जो है दुरुस्त करें। क्या हमने कभी अपने हयालात की कबर्ड खोल के सफाई की? और अपने घर की भी सफाइयां कीजिए, किससे? शर से, हर किस्म के शर से, शैतान से, हर किस्म के फितने से। उन सफाइयों के लिए क्या करना है? घरों के अंदर जो आपके ये बुत बने हुए चीजें हैं उनको निकाल बाहर फेंकिए। ये जो उस तरह के खिलौने, उस तरह के बर्तन, उस तरह के कपड़े, ये अपने घरों को पाक साफ कीजिए इन आलाइशों से। तो उसके बाद क्या करना है? उसके बाद पांचों वक्त की अजाने मुसलमानों के घरों में गूंजनी चाहिए। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमाने पाक आते हैं, घरों को कब्रिस्तान ना बनाना। आप जानते हैं घरों के अंदर नमाजें कायम की जाएं, घरों के अंदर आदमी जो है वो नवाफिल घरों में अदा करें, आदमी सुन्नतें घरों में अदा करें, औरतें नमाजें पढ़ें, कुरान की तिलावत करें, और घरों के अंदर जो है ये अजान की आवाज पांचों बार गूंजे। आप जानते हैं अजान की आवाज सुनने पर शैतान जो है वो बहुत दूर भाग जाता है, और फिर जो अजान गूंजती है तो शैतान वहां से दूर भाग जाते हैं। फिर आप सूरह बकरा की तिलावत घर में लगाया करें। हमें ये तो पता है कि फलां प्रोग्राम लगा है, फलां न्यूज सुननी है, फलां अपडेट करनी है, फलां काम करना है। आप सूरह बकरा की तिलावत घरों में लगाया करें, रूटीन बना लें, एक पीरियड सूर कुरान की तिलावत इस घर में गूंजेगी। तो उसको जोर से लगाएं ताकि उस घर में कुरान की तिलावत गूंजे। ये जितना भी शर अंदर दाखिल हो जाता है जब खिड़की दरवाजा खुलता है तो वो सारे का सारा घर से बाहर निकले। तो ये कोशिशें आपने करनी है। बच्चे इसलिए रोते और चीखते हैं, वो मुतमईन नहीं है, वो कह लीजिए कि वो डर रहे हैं या वो परेशान हैं, और ये किसका काम है? ये शैतानों के काम है, ये शैतानों के तरीके हैं। खाना बिस्मिल्लाह करके खाएं और बच्चे का भी हाथ धुला के सीधे हाथ से बिस्मिल्लाह करके उसको खाना दें ताकि वो खाना बिस्मिल्लाह करके खाए। तो कोशिश करें कि अल्लाह के नबी के तरीके जो है हमारी जिंदगियों में आ जाएं, तो यकीन जाने ये दुनिया जन्नत बन जाती है।
यकीन जाने आपकी जिंदगी ऐसे खूबसूरत हो जाती है कि आपको पता चलता है कि अल्लाह ने एक नेमत दी है आपके ऊपर। हालांकि आने वाली जितनी भी इम्तिहानात हैं या जितनी भी चीजें आपके ऊपर आजमाइशें आती हैं आपके लिए आसान हो जाती हैं जब आपकी जिंदगी मेरे नबी के फरमान के ताबे हो जाती है। हम बात कर रहे थे बात करने के असलूब के बारे में और उससे बात हो रही थी कि अल्लाह के बंदों को इज्जतें दीजिए। आप जानते हैं मुस्लिम शरीफ की एक हदीस है, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 7 किस्म के लोग अल्लाह के अर्श के साए में होंगे कयामत के दिन, जिस दिन कोई और साया नहीं होगा। मेरे रब के अर्श के साए में वो लोग होंगे जो अल्लाह के बंदों से मोहब्बतें अल्लाह की रजा के लिए करते हैं बस, और कोई उनका उनके साथ कह लीजिए कोई ऐसा मामला कोई दुनिया के हसब नसब या जात पात का या स्टेटस या लेन देन का नहीं है। अल्लाह के बंदों से सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए मोहब्बतें कर रहे हैं तो कयामत के दिन अल्लाह के अर्श के साए में होंगे। तो ये एक और हदीस मुबारका के मुताबिक भी कि अल्लाह के बंदों से मिलने के लिए जाना, अल्लाह की रजा के लिए उनसे मिलने के लिए, उनके अहवाल पूछने के लिए, उनके अहवाल से वाकिफ रहने के लिए जाना। तो ये चीजें जो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई हैं, ये दिलों के अंदर जब तक उन्स नहीं होता तब तक इंसानियत मुकम्मल नहीं होती। आदमी आदम नहीं है, सूरत आदम बहुत है। या तो वही कह लें कि हमने जो तालीम लेनी है उसके जरिए से अपनी इस्लाह करनी है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये इंसान के मुंह के अंदर ये एक छोटा सा गोश्त का लोथड़ा है, अगर इसको आप संभाल लेते हो अगर इसकी हिफाजत कर लेते हो तो आपके लिए मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक जन्नतों की गारंटी आ जाती है, जन्नतों की दलील आ जाती है। तो जुबान को कैसे संभालना है, जुबान की कैसे हिफाजत करनी है, ये छोटी छोटी मिसालें आपको मिलती होती हैं कि इतने दांतों के दरमियान में वो अपनी एक खास खसूसियत की वजह से बची हुई है और अपने आप को बचा के रखती है। वो खास खसूसियत उसकी जो होती है वो नरमी होती है, वो नरमी की वजह से इतने दुश्मनों के दरमियान में कह लें कि अपने आप को बचा के रखती है। आप लोगों के दरमियान में जब बैठते हैं तो आप अपनी नरमी और अपनी आजजी की वजह से, आप अगर आपकी तरफ कोई ऐसा तीर या ऐसा हदफ या ऐसा एरो या ऐसी नजर आती है तो आप उससे अपने आप को बचा लेते हैं। अपनी नजरों की भी हिफाजत इस तरीके से करनी है कि अगर मुझे लगता है कि किसी की कोई चीज जो है वो मुझे ज्यादा अपनी तरफ बुला रही है या मेरे दिल में कोई ऐसी चीज कि मेरे पास वो नहीं है तो उसके ऊपर उठ के जा रही है, तो अपनी नजर की हिफाजत दुआ दे के कर दीजिए, लोगों को दुआ दिया कीजिए। अगर महफिल में बैठने वाले कुछ लोग जो है वो हसब नसब में जात में मुआमलात में अगर आपको ज्यादा बेहतर दिख रहे हैं तो इसका ये मतलब नहीं हम लोगों से हसद करें, इसका ये मतलब नहीं हम उनके लिए बुरा चाहें, इसका मतलब ये है कि हम उनके लिए दुआ करने वाले बने, इसका मतलब ये है कि हम उनके लिए अच्छा चाहने वाले बने। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत जब हमें किसी महफल में लेके जाए तो महफल के जो हक होते हैं जो आदाब होते हैं उन आदाब को जरूर आप अपने पास रखिए। ऐसा बास दफा ये भी होता है कि जिन्होंने बुलाया हुआ है जरूरी नहीं कि सिर्फ हम उनको कैप्चर करके रखेंगे और उनके साथ रहेंगे, उनको किसी और से मिलने और बात करने का मौका भी नहीं देंगे। कुछ देर के लिए हमें थोड़ा सा हट जाना है, उनसे पीछे होके बैठ जाना है ताकि उनको मौका दिया जाए कि वो दूसरे सब के साथ भी अच्छे तरीके से उसी तरीके से बात कर सके और दूसरे सब को भी उसी तरीके से तवज्जो दे सके। और उनके लिए भी अगर वो खुद इनवाइट करने वाले हैं तो उनकी भी ड्यूटी ये होती है कि हर आने वाले को वैसे ही मोहब्बतें दें, वैसे ही इज्जतें दें और वैसे ही वक्त भी दें जिस तरीके से वो किसी एक को दे रहे हैं, वो सबके साथ उसी तरीके से वो रवैया रखें और उसी तरीके से उनके साथ वो अपने जो है असलूब उनको रखें। इन्हीं कोशिशों को हमने अपनी जिंदगियों में लेके चलते जाना है और इसी के जरिए से हमने अपनी इस्लाह भी करते जाना है। मजलिस में जो बातें हो रही हैं उनको जगह जगह बयान ना किया जाए, उनको हर जगह पे ये कह लें कि ऐसे ना हो कि जो बातें हों
उनमें से जो कोई कर रहा हो, किसी के साथ बैठा हो, किसी के साथ बात कर रहा हो, वो बाहर निकल के हम जगह जगह उस बात को नशर ना करें कि फुला फुला के साथ, फुला फुला के साथ बैठ के बात कर रहा था, इतनी देर बैठे थे, ये बात हुई थी, बड़े आपस में अच्छे तरीके से थे। यानी इस तरीके से ये जो महफल की अमानत होती है, जिन लोगों के पास बैठने की अमानतें होती हैं, वो अमानतें हमने जाया नहीं करनी, उन अमानतों को जाया नहीं करना। और जब भी बात करें, बात का मौका मिले तो उस तरीके से करें लोगों को नेकी की तरफ तरगीब देने वाला, नेकी से दूर करने वाला नहीं, तनकीद करने वाला नहीं। लोगों के ऊपर तनकीद करना, गुस्सा करना या उनकी किसी ऐसी हामी की निशानदेही करना और उसके साथ दीन की बात करना, ऐसे नहीं करना है। इज्जतें दे के, मोहब्बतें बढ़ा के तो इस तरीके से बात करनी है ताकि दीन की बात जो है वो उनकी जिंदगी में आए। और महफिल बर्खास्त होते वक्त इस दुआ को भी याद कर लीजिए, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। इस दुआ को भी अपनी जुबान से जारी रखिए। मुझे इस्लाम चैनल उर्दू वालों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इजाजत चाहती हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।